हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैक ट्रेडिंग। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बीएमसी मशीन पे यूज होने वाला जी तथा एम कोड के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड, जितना भी कोड आप लोग देख पा रहे हैं या जो भी मैं कोड पढ़ाने वाला हूँ, सारा कोड जो है बीएमसी मशीन पे यूज किया जाता है और ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये जितने भी कोड है, सारा कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी सीएनसी मशीन का ऑपरेटर हो या प्रोग्रामर हो या फिर सेटर, सबको जानना जरूरी है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में एम तथा जी कोड को क्लियर करा रहा हूँ। फ्रेंड, M00 का मतलब होता है प्रोग्राम स्टॉप। प्रोग्राम स्टॉप होता है फ्रेंड, लेकिन क्या होता है कि जो एक्सिस होती है मशीन का, और रिवाइंड नहीं होती है, यानी एक्सिस जो है वो होम पोजिशन पर नहीं जाती है M00 का यूज करने से। अब आइए M01। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल स्टॉप। फ्रेंड, जब भी हम बीएमसी मशीन पे दो टूल चलाने वाले होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जैसे सपोज दैट मुझे एक टूल में ड्रिलिंग करना है और दूसरा टूल में रिमिंग करना है, तो मैं ड्रिलिंग करने के लिए तो मैं ड्रिल को कॉल किया, ड्रिलिंग हो गया, होने के बाद मैं उसको फिर से रेफरेंस किया, ठीक है फ्रेंड, फिर जो है टूल मैगजीन से, टूल का टरेट से मैंने दूसरा टूल को कॉल किया, तो उस केस में हमें M01 का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, M01 का यूज करने के बाद मैं दूसरा टूल को कॉल करूंगा, ऑप्शनल को स्टॉप कर दूंगा, कुछ देर के लिए मशीन को रोक दूंगा, और जो मेरा टूल है वो चेंजिंग होते रहेगा, उसके बाद फिर जो है वो आके नेक्स्ट ऑपरेशन करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग ऑप्शनल स्टॉप करके नेक्स्ट टूल को कॉल करते हैं। M02 में क्या होता है फ्रेंड, प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, हम लोग को अगर प्रोग्राम एंड करना है तो हम M02 का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, M03 का मतलब होता है स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रेंड, जो मेरा कटिंग टूल का स्पिंडल है, जिसमें मैंने कटिंग टूल को होल्ड कर रखा है, वो स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी। ठीक है, बीएमसी मशीन में क्या है, जो मेरा टूल एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, मैं जेड एक्सिस में जो टूल लगा रखा है, वो जेड एक्सिस में जो मेरा टूल लगा रखा है, वो टूल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी, ये होता है M03। आप जब M04 का यूज करेंगे फ्रेंड, तो स्पिंडल ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी टूल। ठीक है, ऐसे करके एंटी क्लॉक, और इसमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो M03 में हम लोग स्पिंडल स्पीड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, और M04 में जो है स्पिंडल स्पीड को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। नेक्स्ट है M05। ठीक है फ्रेंड, M05 में क्या है, स्पिंडल स्टॉप करते हैं। सपोज दैट फ्रेंड कि मेरा जो कटिंग टूल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और मुझे उसको ऑफ करना है, यानी स्टॉप करना है, तो मैं M05 का यूज करूंगा। M05 का यूज करने से क्या होगा, मेरा जो कटिंग टूल रोटेट कर रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब है M06। M06 का मतलब होता है टूल कॉल कमांड। फ्रेंड, M06 से हम टूल को बुला सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक नंबर टूल जो है चल रही है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में है, मैं 3 नंबर टूल बुलाना चाहता हूँ, सो फ्रेंड मैं M06 लिख के T03 लिख दूंगा एंड ऑफ ब्लॉक, तो जो है मेरा टूल, तीसरा नंबर टूल जो है वो कॉल हो जाएगा, तो मुझे M06 के तहत जो है टूल को बुलाना पड़ता है। तो M06 जो है टूल कॉल कमांड है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाने वाला हूँ। अब है फ्रेंड M07। M07 का मतलब होता है कूलेंट ऑन मिस्ट। इसका मतलब होता है कि M07 से हम लोग कूलेंट को तो ऑन करते हैं, लेकिन जो कूलेंट ऑन होता है वो काफ़ी धीमी गति से जो है निकलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर मुझे कम कूलेंट की जरूरत पड़ती है कटिंग जोन में, तो मैं M07 का यूज करके कूलेंट को ऑन कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट है M08। M08 से भी कूलेंट ऑन होता है फ्रेंड, लेकिन फ्लूड कूलेंट ऑन होता है। फ्लूड कूलेंट मतलब होता है बाढ़ की तरह, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी से जो है कूलेंट निकलता है M08 से। सो फ्रेंड, अक्सर मशीन पे M08 का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम M09 पे। M09 का मतलब होता है कूलेंट ऑफ। सो फ्रेंड, मैं कूलेंट को M07 और M08 से ऑन कर रहा हूँ, और इसी दोनों को ऑफ करने के लिए मैं M09 का यूज करूँगा। M09 कर देने से क्या होता है, कूलेंट का निकालना बंद हो जाता है, यानी कूलेंट ऑफ कमांड है। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो है M30। M30 भी जो है प्रोग्राम एंड है। ठीक है फ्रेंड, प्रोग्राम एंड में क्या होता है, स्टॉप होता है और रिवाइंड होता है। अब आएंगे हम M98 में। M98 का मतलब होता है सब प्रोग्राम कॉल। फ्रेंड, मुझे अगर कोई मेन प्रोग्राम से, ठीक है, मेन प्रोग्राम सपोज दैट ये O1234 एक प्रोग्राम है, इसमें जो है मुझे ड्रिलिंग करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रही है। ड्रिलिंग होते होते क्या है कि मुझे बीच में एक प्रोग्राम को कॉल करना है, तो मैं प्रोग्राम को कॉल करूँगा एम
98 से, ठीक है, P11 एंड ऑफ ब्लॉक। इसमें क्या है, रिमिंग ऑपरेशन का प्रोग्राम मैंने बना रखा है 11 में। पी का मतलब होता है सब प्रोग्राम नेम, 11 का मतलब होता है सब प्रोग्राम नंबर, यानी 11 नंबर जो है सब प्रोग्राम नंबर है, और M98 से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे इस तरह का अगर प्रोग्राम कॉल करनी होती है तो मैं M98 का यूज करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। आप देखिए M99, सपोज दैट ये मैंने कॉल कर दिया है M98 से सब प्रोग्राम को, और सब प्रोग्राम को कॉल करने के बाद मैंने फिर से प्रोग्राम को तो यहाँ पे लिख दिया है, फिर नीचे में जो M99 लिख दिया है, M99 लिखने का मतलब है ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर जो है वो मेन प्रोग्राम में चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वही है सब प्रोग्राम एंड। यहाँ पे सब प्रोग्राम एंड होता है या फिर रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, ठीक है, ये दोनों कह सकते हैं हम लोग।